अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का इंतहाई अहम टॉपिक, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को बजाइए, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो बच्चों, हम वर्नियर कैलिपर्स का टॉपिक दो वीडियोस में करेंगे। पहली वीडियो में बात होगी वर्नियर कैलिपर्स की तारीफ की, वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। जबकि दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन एंड टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं इस लेक्चर की जाने। डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर्स के मुतालिक जानने से पहले मीटर रूल के मुतालिक थोड़ी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मीटर रूल को सही से नहीं जाना, वो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। ये नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 के नाम से प्लेलिस्ट में ये वीडियो मौजूद है और इसकी हेडिंग है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। 1.6 टॉपिक है इस चैप्टर का, सो ये आपने जरूर देखना है। मीटर रूल एक ऐसा आला है बच्चों, जो 1 मीटर लेंथ का है, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 मिलीमीटर। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, मीटर रूल 1 मीटर लेंथ का है और इस 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं और हर सेंटीमीटर मजीद 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 सेंटीमीटर के अंदर मजीद 10 लाइनें लगी होंगी जो कि मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। सो 100 सेंटीमीटर को अगर हम मजीद 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मिलीमीटर्स में आंसर आएगा 1000 मिलीमीटर। और इस मीटर रूल के जरिए हम सबसे छोटी पैमाइश जो ले सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, क्योंकि इस मीटर रूल के ऊपर सबसे जो छोटी लाइन है दैट इज 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये 0.1, 0.2, 0.5, 0.7 मिलीमीटर मेजर नहीं कर सकता, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। 10 मिलीमीटर, 11, 10.5 नहीं कर सकता, 15.5 नहीं कर सकता। लेट सपोज बच्चों, मैं मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए एक पेंसिल की पेमाइश लेता हूं। पेंसिल की मैंने लेंथ मेजर करनी है, तो मैंने पेंसिल की एक टिप रखी 0 पे और दूसरा किनारा मैंने जहां भी जाता है जाने दिया। तो जब पेमाइश ली गई तो बच्चों, पेमाइश जो थी वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी। कंफ्यूजिंग किस तरह से, जो लेंथ थी इस पेंसिल की वो कुछ इस तरह से थी कि ये 154 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर के दरमियान आ रही थी। 15 और 16 सेंटीमीटर के साथ 15.4 सेंटीमीटर या 15.5 सेंटीमीटर, जो कि 154 मिलीमीटर या 155 मिलीमीटर बनते हैं, इनके दरमियान रीडिंग आ रही है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इस रीडिंग को मैं क्या, इसका क्या इंतखाब करूं, इसकी पेमाइश को 154 मिलीमीटर लिखूं या 155 लिखूं, क्या लिखूं? 154 और 155 के दरमियान आ रही है, क्योंकि बच्चों मेरे इंस्ट्रूमेंट की ये लीस्ट काउंट मुझे मजबूर करता है कि मैं इसका आंसर 154.5 या 154.6 या 154.1 या 2 नहीं लिख सकता, पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 154 से ज्यादा है और 155 से कम है। तो एग्जैक्ट 154 नहीं है ना, एग्जैक्ट 155 मिलीमीटर्स है, ये कुछ कीमत ज्यादा कम है। लेकिन क्योंकि मैं इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका नाम मीटर रूल है, जो मुझे लिमिटाइज करता है, उसकी लिमिटेशन है कि मेरा आंसर मिलीमीटर्स में एग्जैक्ट आएगा, पॉइंट के अंदर आंसर आ ही नहीं सकता। सो 154 मिलीमीटर ही मुझे इस आंसर को लिखना पड़ेगा, हालांकि मुझे नजर आ रहा है कि आंसर करेक्ट नहीं है। अब इसका हल क्या है कि इस लेंथ, इस पेंसिल की लेंथ मैं किससे मेजर करता था दुरुस्त आती, उसका हल है कि मैं इसी पेंसिल की लेंथ अगर किससे मेजर करता, वर्नियर कैलिपर से, तो आंसर 154.4 या 154.5 एग्जैक्ट आंसर आता। इसका मतलब हम बेहतर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी प्रिसीजन, जिसकी दुरुस्तगी मीटर रूल से 10 दर्जे ज्यादा है। उस 1 मिलीमीटर की बजाय 0.1 मिलीमीटर तक 154.4 या 154.5 मिलीमीटर तक मेजर करके दे सकता है। अब बच्चों देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स की कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की साख्त, ये दिखने में कैसा है, इसके अंदर क्या क्या है। तो ये रहा वर्नियर कैलिपर्स आपकी स्क्रीन के सामने। तो बच्चों देखिए, इस वर्नियर कैलिपर्स में आम स्केल की तरह एक मेन स्केल है, आम स्केल की तरह जैसे मीटर रूल था उसी तरह से मेन स्केल है। इसके साथ एक जबड़ा लगा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, आउटर जा, ये मेन स्केल के साथ एक फिक्स है आउटर जा। इसी तरह से आपको साथ में नजर आ रहा होगा वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के साथ भी एक जबड़ा है।
ये दोनों जबड़े मिलके क्या बनाते हैं, जो चीज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन जबड़ों को कहते हैं आउटर जॉस। इन्हें आउटर जॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीजों का बैरूनी, चीजों की बैरूनी मोटाई, चीजों की बैरूनी डायामीटर, बाहरी डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल। इसी तरह से अगर आप देखें तो यही जबड़े आपको ऊपर की तरफ भी नजर आएंगे, ये जबड़े इनर जॉस कहलाते हैं, ये अंदरूनी डायामीटर। अगर मुझे इस मार्कर के फोल का अंदरूनी डायामीटर मालूम करना है तो मैं इन जबड़ों का इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह से बच्चों इस वर्नियर कैलिपर्स के पीछे होती है एक स्ट्रिप, मेटल की स्ट्रिप होती है। अगर मुझे इसकी गहराई मालूम करनी है, कितना गहरा ये मार्कर है, इसकी डेप्थ कितनी है, तो स्ट्रिप के जरिए मैं इसकी डेप्थ मालूम कर लूंगा। इसी तरह से यहां पे होता है टाइटनिंग स्क्रू। टाइटनिंग स्क्रू की मदद से हम क्या करते हैं, जहां पे इस वर्नियर स्केल को फिक्स करना है वहां पे फिक्स हो जाता है। वर्नियर स्केल मूवेबल है, मूव करता है, जबकि मेन स्केल जो है, मेन स्केल और इसके साथ लगा जबड़ा ये फिक्स रहते हैं। वर्नियर स्केल आसानी से दाएं बाएं मूव कर सकता है। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं डिवीजंस की। बच्चों मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजंस है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है, जैसा कि आम मीटर रॉड के अंदर थी या मीटर रूलर के अंदर थी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसका मतलब मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी लाइन है वो है 1 मिलीमीटर के बराबर, जबकि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के ऊपर लगी है 10 डिवीजंस। अगर आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल को यहां देखें तो मेन स्केल के ऊपर बच्चों 10 लाइंस लगी हुई हैं। हर लाइन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है, हर लाइन 1 मिलीमीटर को, ये है 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, और उसके अंदर लगी हुई हैं 10 लाइने। हर लाइन 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 सेंटीमीटर बन गया। जबकि नीचे अगर गौर करें बच्चों, 9 लाइन, जो 9 लाइन्स हैं वो 9 लाइन्स किसके बराबर है, 9 लाइनें जो हैं वो हमारे पास, सॉरी 10 लाइनें जो वर्नियर स्केल की हैं वो 9 मिलीमीटर के बराबर आ रही है। जहां 9 मिलीमीटर आता है, 10 होना था, फिर 9 मिलीमीटर के बराबर वर्नियर स्केल की 10 डिवीजंस हो जाती हैं। इसका मतलब 10 डिवीजंस जो हैं या 10 मार्क्स जो हैं किसके ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर, वो किसके बराबर है, 9 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 डिवीजन किसके बराबर होगी, 1 डिवीजन होगी दोनों तरफ से 10 को डिवाइड कर दें, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। इसका मतलब वर्नियर स्केल के ऊपर सबसे जो पहली लाइन या सारी की सारी लाइनें किसके बराबर है, 0.9 मिलीमीटर के बराबर, जबकि मेन स्केल के ऊपर हर लाइन किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर। ये है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान फर्क। अच्छा तो बच्चों बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। जैसा कि हमने मीटर रूल का लीस्ट काउंट पढ़ा था, दैट इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कहते किसे हैं बच्चों, द लीस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी आले से वो कम से कम पैमाइश से ली जा सकती है, जिसे छोटी मेजरमेंट उससे ना ली जा सके वो उसका लीस्ट काउंट होता है। और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड करने के 2 तरीकाकार हैं, आइए दोनों तरीकों को देखते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझिएगा, ये मैंने जो डिटेल लिखी है इस समझाने के लिए है, वरना ये इनफ है आपके करने के लिए। आप देखिए मेन स्केल तो आर्म स्केल की तरह है, आर्म स्केल की तरह है, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो सबसे छोटी डिवीजन है उसका जो लीस्ट काउंट हुआ मेन स्केल वाला अगर देखें उसका, वो है 1 मिलीमीटर, आर्म स्केल की तरह है। जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वर्नियर स्केल के ऊपर, जबकि वर्नियर स्केल हमने कहा कि उसके ऊपर 10 डिवीजंस हैं, हर डिवीजन जो है 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। अगर आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कंपेयर करें तो वर्नियर स्केल की सारी 10 लाइनें मेन स्केल की 9 लाइंस के बराबर है, जबकि मेन स्केल की हर लाइन 1 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर स्केल की लाइन हर एक को कंपेयर करें तो 0.9 मिलीमीटर बनती है। और जैसे बनती है आइए देखते हैं, 10 डिवीजंस हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, 10 निशान लगे हैं, 10 निशान मेन स्केल की कितनी लाइनों तक खत्म हो जाते हैं, 10 लाइनों को मेन स्केल के साथ कंपेयर करें वर्नियर स्केल के, जहां 10 आ रहा है ऊपर मेन स्केल का, वहां आपको क्या नजर आ रहा होगा, मेन स्केल की 9 ही 9 नजर आ रही है। इसका मतलब वर्नियर स्केल की 10 की 10 लाइनें मेन स्केल की 9 लाइनों के बराबर हो जाती है। अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड कर दूं तो यहां क्या होगा, राइट साइड को भी 10 से डिवाइड करना होगा, जब डिवाइड करेंगे तो 1 मार्क का वर्नियर कैलिपर्स किसके बराबर आ जाएगा, 9/10 0.9 मिलीमीटर। इसका मतलब वर्नियर स्केल के ऊपर सिर्फ एक निशान है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, जस्ट 0.9 मिलीमीटर के बराबर। अगर बच्चों दोनों स्केल्स का डिफरेंस मालूम करें
मेन स्केल की पहली लाइन और वर्नियर स्केल की पहली लाइन को आपस में कंपेयर करें। मेन स्केल की पहली लाइन तो 1 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर स्केल की पहली लाइन 0.9 मिलीमीटर है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, फिर 1 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ, दोनों को माइनस करें तो जवाब आएगा 0.1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर माइनस मेन स्केल 1 मिलीमीटर सबसे छोटी लाइन, जबकि वर्नियर स्केल की सबसे छोटी लाइन 0.9 मिलीमीटर है। इनको माइनस करें तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर और मजीद 10 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। यह आंसर किसमें होगा, सेंटीमीटर्स में। एक और तरीका है लीस्ट काउंट फाइंड करने का, वो ये है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजंस कितनी है, 10 डिवीजंस है। वो मेन स्केल की छोटी से छोटी रीडिंग को वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन से डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। ये भी इसका लीस्ट काउंट है। अगर इसी जवाब को सेंटीमीटर में लिखना है तो मजीद 10 से डिवाइड कर दीजिए, जब मजीद 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स आम मीटर रूल की निस्बत 10 दर्जे छोटी पैमाइश भी ले सकता है, ये 0.1 मिलीमीटर तक आंसर दे सकता है। 154.5 आना था ये आंसर, वो मेजर कर सकता था, ये उसकी निस्बत ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा प्रेफरेबल है, इसकी एक्यूरेसी उससे 10 दर्जे ज्यादा है। किससे 10 दर्जे ज्यादा है, आम मीटर रूल की निस्बत ज्यादा है। तो बच्चों अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से वर्क लेने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा आया हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर तो नहीं है। हम बहुत से इंस्ट्रूमेंट का रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फर्ज कीजिए हम अपना मैस मेजर करते हैं, मैस तोलते हैं एक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। लेट सपोज उसके अंदर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आरआरडी 2 kg शो हो रहा था, उसकी सुई आरआरडी 2 kg दिखा रही थी। जब मैं इसके ऊपर खड़ा होऊंगा अपना मैस तोलने के लिए, फर्ज कीजिए मेरा मैस का आंसर आया 74 kg, क्या आप मान लेंगे कि मेरा मैस 74 kg ही है, या आप कहेंगे 2 kg तो इसकी रीडिंग ऑलरेडी थी, 74 kg आना साबित करता है कि मेरा मैस जो है वो 74 में से वो 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा मैस 74 नहीं है, वो 2 जो एक्स्ट्रा दिखा रहा था उसे मैंने 10 पे जा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये था इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर। इसी तरह से हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर्स, और वर्नियर कैलिपर्स के अंदर अगर हम एरर फाइंड करें तो उस एरर का नाम है जीरो एरर। इसे जीरो एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर है 2 स्केल, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। मेन स्केल भी 0 से बिगिन हो रहा है और वर्नियर स्केल भी 0 से। अगर तो मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल 0 आमने सामने हो दोनों को बंद करने पे, जबड़े बंद करने पे, तब तो इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है, जो भी रीडिंग लेंगे बिल्कुल दुरुस्त आएगी। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का 0 दाएं या बाएं है तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस पे हमारी डिटेल डिस्कशन अगले लेक्चर में होगी। और अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हमें क्या अप्लाई करनी है, 0 करेक्शन करनी है। और 0 करेक्शन क्या होती है, एरर को आंसर में से निकालना। हमारा जो भी एरर आया होगा सारी कैलकुलेशन करने के बाद उस एरर को लास्ट पे जाके क्या कर देंगे, आंसर में से माइनस कर देंगे। इस अमल को क्या कहा जाता है, 0 करेक्शन। क्या करना, एरर को आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, दैट इज 0 करेक्शन। सो हम वर्नियर कैलिपर्स को वर्क करवाने से पहले उसमें 0 एरर फाइंड करते हैं। एरर की कितनी टाइप्स हैं और 0 करेक्शन है क्या, ये डिटेल डिस्कशन हमारी अगले लेक्चर में होगी। आज के लिए इतना ही, और बच्चों मेरे इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।